हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए, उम्मीद है करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो हिंदी का वीडियो लेके आने का जैसे वेट रहता है, हफ्ते में दो वीडियो तो मैं डालूंगा ही डालूंगा, दो या तीन है ना हिंदी की। आगे हो सकता है बढ़ा भी दूं, पर बहुत ज्यादा हिंदी का कोर्स हमारा नहीं है। तो मेन टारगेट तो यही है कि यूपी पुलिस तक आपको पहले वही एग्जाम आ रहा है हिंदी का, और तो कोई इतना जरूरी नहीं आ रहा है। तो यूपी पुलिस से आपको बहुत पहले मैं हिंदी खत्म करा दूंगा उसके एग्जाम से। तो एग्जाम तो 15 मई से 15 जून तक के बीच की उम्मीद है कि इस बीच हो जाएगा, और बाकी तो पॉसिबिलिटी है। देखिए, स्टेट के एग्जाम्स कुछ वो भी नहीं है कि आपको कब एग्जाम हो, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 15 जून तक एग्जाम हो जाए। चलिए, तो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पर्यायवाची चल रहे थे। हम तीन पर्यायवाची के पार्ट कर चुके हैं। इसमें मैंने जो पर्यायवाची लिखी है एक बार आपको नजर दौड़वा देता हूँ कि क्या क्या है। सब बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, तो आप नजर दौड़ाएंगे और आप देखेंगे कि हाँ, ये वाली हमने उस एग्जाम में देखी थी। अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो आप जरूर आप नोटिस कर रहे होंगे इस बात को। तो देखिए, ये 35 पर्यायवाची मैंने इसमें लिखे हैं। काफी लंबा वीडियो हो सकता है चला जाए, पर कोई बात नहीं, आपको याद हो जाने चाहिए। अगर आप एक बार शुरू से देखने चले गए तो आप देख लेना कि आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप याद ही नहीं कर रहे हैं और खुद पे खुद आपके दिमाग में घुसता चला जा रहा है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए हिंदी को देखने में भी, है ना। वैसे तो हम इन्हें रट ही नहीं सकते। तो अब मैं जो बता रहा हूँ, तो एक एक वर्ड को पढ़ रहा हूँ, आप एक एक वर्ड भी नहीं पढ़ोगे, मेरे साथ सुन तो सकते हो ना आप। मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए सिर्फ। कहते हैं कि सुनने से ज्यादा अच्छा याद होता है बजाय पढ़ने के, है ना। तो चलिए, तो चतुर के पर्यायवाची देख रहे हैं। चतुर का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। तो चतुर आप सब लोग समझते हैं, चतुर किसको बोलते हैं, चालाक को बोलते हैं, चालाक भी आया इसमें। देखिए, बच्चा जब जो है अपनी चीजों को नहीं देता है दूसरे के लिए, ना सीख जाता, उसको शाना, बड़ा शाना है ना, अपनी चीज के लिए बड़ा शाना, शाना भी वही चालाकी है ना। तो होशियार, ये सब उसी के योग्य, ये थोड़े दूसरे सेंस में आ गए। चालाक कुछ और सेंस में भी बोल लेते हैं हम, तो ये नेगेटिव सेंस में भी चालाक बोल लेते हैं कि अपनी चीज ना देना दूसरे के लिए लेना, तो ये नेगेटिव हो गया ना। और योग, और ये अच्छे सेंस में, निपुण, दक्ष अपने काम को करने में, है ना। तो प्रवीण और चालाक या निपुण, ये सब एक ही है। प्रवीण भी दक्ष होता है, प्रवीण आप समझते होंगे, है ना, प्रवीण है अपने काम में करने में, तो वो भी दक्ष होता है। और कुशल और नागर, तो देखिए गोत्र भी, आप गोत्र से भी याद रख सकते हो कि भाई नागर लोग जो होते हैं बहुत चालाक होते हैं, ऐसा आप मान लीजिए, है ना। तो नागर का अर्थ भी चालाक ही होता है। अब जो है इसको और तरीके से भी रख सकते हो कि नगर में जो रहने वाले लोग होते हैं थोड़े से ज्यादा चालाक होते हैं ना, नगर वाले लोग, है ना, गांव वालों को पागल बना देते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो। तो अपना अपना तरीका है। आगे चंद्र, चंद्र देखिए हमारे जो दिन है, मंगल, आपने मंगल ग्रह का नाम सुना है, बुध बुध ग्रह का नाम सुना है, बृहस्पति भी ग्रह होता है, शुक्र भी, शनि भी। अब ये रवि और जो सोमवार बचे, रविवार और सोमवार, देखिए सोमवार जो होता है ये चंद्रमा होता है आपका, रवि होता है आपका सूर्य, बस ये इन पे है, ये है ना। दो दिनों का नाम, सात दिन है ना हमारे, तो पांच तो ग्रहों के नाम पर, रविवार और सोमवार आपको नहीं पता होंगे किस ग्रह के नाम पर, मैं बता रहा हूँ आज। रवि है आपका सूर्य और सोम है आपका चंद्र, है ना। तो आप सोम जान गए होंगे। अब देखिए राकेश, नाम भी लग रहा है राकेश, रा से ही रात का सा सेंस निकल रहा है ना, और रात में ही चमकता है चंद्रमा, तो राकेश। रजनीश, रज माने देखिए रात ही होती है, रज जो रात का ही पर्यायवाची है, रजनीश है ना, तो ये भी आप समझ लीजिए, रजनी, रजनी रात का पर्यायवाची है, रात को रजनी बोलते हैं, ठीक है। आगे राकापति, तो राकापति फिर वही रात का पति, मतलब रात है ना, तो इससे कहीं ना कहीं रात का सा सेंस आ रहा है, तो रात में ही चंद्रमा निकलता है। तो चांद, निशाकर, निशा भी रात का पर्यायवाची है, तो ये भी आपका जान, रात के मैं आगे बताऊंगा, वहां पे एक ट्रिक और भी बताऊंगा रात के पर्यायवाची, इन सबको याद करने का। तो हिमांशु, तो हिमांशु आप ये समझ लीजिए रात में थोड़ी सी ठंड ज्यादा होती है ना दिन के मुकाबले, तो हिम मतलब बर्फबारी रात में ही पड़ती है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें तो रात में ही जम जाते हैं लोग, बहुत ठंड, हिमांशु, हिम। तो आगे मयंक है ना, तो इसको भी आप थोड़ा सा कैसे भी याद रख लीजिए, तो बड़ी मैं आ जाती है लोगों में,
रात के टाइम मयंक है ना, कुछ ऐसे घमंड टाइप, तो इस तरीके से। तो फिर कोई बोल रहे ना भाई मैं हूं अंक, मयंक, मैं हूं अंक, तो रात में पिछल नहीं रहा ना कोई भी, तो रात से जोड़ रहा हूं मैं चंद्रमा को, आप समझ लीजिए ऐसे। या रात में महकता है हर कोई चीज, तो चंद्रमा की चांदनी में हर चीज महकती है ना, तो ऐसे आप समझ लीजिए मयंक। अगर सुधांशु, तो सुधा भी कहीं ना कहीं रात का ही सेंस है, सुधा भी पर्यायवाची, तो सुधांशु भी वहीं से हो जाएगा। और चंद्रमा और औषधीश, तो ऐसे समझ लीजिए औष जब ही पड़ती है, जब चंद्रमा होता है ना, तो औषधि, औषधीश, तो औषधि से करना चाहो तो औषधि से भी कर सकते हो, कि भाई चांदनी जो है औषधि का ही काम करती है, बीमार लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, तो खुशनुमा बड़ा मौसम होता है, तो औषधि का भी काम कर देती है। तो ऐसे आप चंद्रमा को बहुत सारी चीजों से याद रख सकते हैं ना। आगे चांदनी, अब चांदनी देख रहे हैं आप चंद्रिका, क्योंकि चंद्र से है। ज्योत्सना तो इसका बहुत फेमस वर्ड है, तो ज्योति सी जलती है ना चांद चंद्रमा में, तो वो ज्योत्सना याद हो जाएगा है ना। तो कौमुदी, तो ऐसे मतलब जो है कुछ भी, इसको भी थोड़ा सा जोड़ सकते हो आप है ना, तो कुमुद कला, तो ये कौमुदी जो वर्ड है, कुमुद जो वर्ड है, ये चांदनी के लिए ही लगा है, तो यहां भी कुमुद वर्ड आ रहा है, यहां भी कुमुद, कौमुद कुमुद है ना, तो ये सब चांदनी से है ना। अमृत वर्षणी, और अमृत देखिए अमृत की वर्षा, तो अमृत सा तो बरसता ही है, जो रात की चांदनी होती है कितनी अच्छी लगती है, तो अमृत वर्ष, अमृत की वर्षा है ना। चंद्रा तप, तो चंद्रमा का ही तो तापमान होता है, चंद्रा तप भी बोल सकते हैं। चंद्र मरीची, मरीची देखिए रेगिस्तान में होती है, हालांकि जो इसको बहम बोलते हैं वही है मरीची, मिरेज बोलते हैं, तो चंद्रा की मिरेजी है, तो चांदनी है ना, तो याद हो जाएगा। कौमुदी और कुमुद कुलागा मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाया हूँ, तो आप देख लेना कौमुदी, तो चांदनी में ही आपको दिख रहा है भाई कहामुदी हमें दिख नहीं रही, तो कहामुदगी वो कहाँ पे है, तो ऐसे ही कभी कभी चांदनी उसमें चली जाती है ना बादलों में, तो कौमुदी किधर दिख रही है नहीं दिख रही है, तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं। आगे चोर, रजनीचर, रजनी मैं बार बार बोल रहा हूँ, रजनी मतलब रात, रात में चलने वाला, और चोरी तो रात में ही होती है ना, तो वही चीज है ना। आगे साहसिक, चोर को साहसिक बोला है, आप खुद समझ जाइए कि भाई चोरी करना इतना आसान काम तो है नहीं, साहसिक काम है भाई, वहां पे जाके लठ भी बज सकता है, कोई जग भी सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो साहसिक काम तो है ही। और चोर को कभिज, कभी भी आ सकता है, कभिज से याद कर लेंगे, तो कभी भी चोर आ सकता है। आगे खनक है ना, खनक जो है बिल्कुल जो है चोर की खनक तक भी नहीं पता चलती है, तो आप ये समझ लीजिए खनक, तो इस तरीके से कोई आ रहा है, तो चोर बड़ा ध्यान रखता है खनक का है ना। तो आगे तस्कर, तो तस्कर उस सेंस में हो जाता है भाई कहीं चीज को ले जाके कहीं बेच देना, तस्कर वही होती है तस्करी है ना, कोई दुबका चोरी से बेच देना, तो तस्कर भी बोल सकते हैं इनको। आगे दस्यु, तो दस्यु चोर जो है एक साथ तो चलते नहीं, दसु के दसु एक साथ चलते हैं, ऐसे आप मान लीजिए अकेला चोर नहीं आता है, तो दसु दसु, दस के दसु एक साथ चल देते हैं, कोई इधर कोई उधर, तो ऐसे बहुत सारी जगह चोरी गुच्छों में होती है, तो ऐसे दस्यु याद रख लेंगे। तो छल, छल तो आप सब जानते होंगे, लेकिन मैं इन सबको पूछूंगा अभी आपसे, तो आपको याद हो रहे हैं कि नहीं, जैसे मैं पूछूंगा राकापति, तो आप सोचेंगे रात, रात का तो चंद्रमा से हमने जोड़ा था कुछ है ना, तो इस तरीके से मैं पूछूंगा आगे। अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं पहले, तो छल प्रपंच, छल का क्या है प्रपंच, प्रपंच आप समझ लीजिए जो पंच पंच जो होते हैं आजकल, तो छल कपट से ही वो अपना न्याय सुनाते हैं, तो पंच होते थे गांव में, तो वहां पर जो परपंच भी जो छली है, परपंच, तो परपंच भी छली हो गए आजकल है ना। तो ऐसे झांसा तो आप सब जानते हैं, फरेब भी जानते हैं, कपट भी, धोखा भी, ये सब छल के ही है ना। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा ना कि छल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा होगा या कौन सा नहीं होगा, नहीं होगा तो तीन होंगे, एक ढूंढ लेंगे कौन सा है ना, तो आप आराम से पहचान सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन आएंगे आपको। आगे जननी, आप देखिए जननी तो सबको पता है, जो जन्म देती है उसको जननी बोलते हैं, तो वो तो माँ होती है, तो माँ, माता, माई, मैया, अम्मा, मातू, महतारी, देखिए महतारी वर्ड ऐसा माना जाता है उससे में मम्मी को बोल रहे हैं, गाली टाइप ये, पर ये भी एक पर्यायवाची है महतारी है ना। जनित्री, जनरी हमें, तो जन्मदात्री, ये सब आराम से है ना। जग, दुनिया,
संसार, विश्व, मृत्यु लोक, मृत्यु भी तो यही होती है, मृत्यु का संसार, लोक मतलब संसार है ना, लोक भी कह सकते हो, जग का लोक, तो मृत्यु का लोक है हम भाई, संसार तो मृत्यु का लोक ही है, मरना एक दिन सबको है ना, तो भुवन, तो यहाँ पे यहाँ की भूमि पर वन भी है, तो जग में ही है वो भी, भू मतलब पृथ्वी और वन तो आप समझते ही हैं, तो ये भी जग में ही है, सारे संसार की चीजें हैं है ना, आराम से आप कर सकते हैं। अगर जल के बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, हालांकि सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैं किसको छोड़ दूं, किसको कह दूं, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होते मैं लिखता ही नहीं आपके लिए, लेकिन मैं क्रम में चल रहा हूं, देखो पहले कह के फिर खे गए, पहले एस एन आर से ही चला था, आप देख लेना शुरू से वीडियो, ए आ ई ऊ सब के कंप्लीट करता हूं, कह खे गे चे जे, मुझे याद भी नहीं है, आप जे जे छे ऐसे याद रख सकते हो, देखोगे तो बिल्कुल क्रम में दिखेंगे आपको। तो जय के खत्म कर लेते हैं, जल, तो जल का सलिल, उदक, तोय, अंबु, देखिए ये सब मैं आपको बता चुका हूं, उदक, देखिए सलिल, सलीला, तालाब का भी आप पढ़ेंगे सलीला बोल देते हैं, आ लगा देते क्योंकि पानी है उसमें, तो ऐसे, और सलील लगा देंगे इनमें, जय लगा देंगे तो ये सब कमल के बन जाते हैं, अंबुज, पानीज, नीरज, वारिज है ना, तो ये सब किसके हैं, कमल के, तो ऐसे ही आप सलील याद रखेंगे, सलील होता है लीला सा तो होता ही है पानी, लीला से लीला, लीले रंग का कलर, तो ऐसे ही जल के ही हैं वो भी है ना, लील याद हो जाएगा। तो उदक, उदक यानी इसमें मेंढक वेंढक, उदक फुदक उदक करते रहते हैं, उदक फुदक, तो इस तरीके से याद रख लेंगे उदक। तो तोय, तो पानी के लिए भाई पानी ले आइए भाई, थोड़ा सा ऐसे कोई बोल देता है किसी बच्चे से घर में, और वो बच्चा तो ये पियाऊंगा पानी है ना, तो वो अपनी लैंग्वेज में, तो तोय, तोय मतलब तोय चाहिए पानी, तो इस तरीके से थोड़ा सा उससे जोड़ सकते हो इसको, तो लोकल लैंग्वेज में तो आप सब लोग बड़े आराम से जोड़ लेंगे मुझे पता है। अंबू, अंबू जल होता है, तो अंबू भी बहुत बार मैं यूज कर चुका हूं इसको, कमल में भी अंबुज है ना, अंबुद बादल में भी यूज करूंगा, दे लगा देते हैं, पानिद, नीरद है ना, जलज तो बन जाता है आपका कमल का, जलद दे लगा दूंगा, दे दवात, तो ये सब क्या बन जाते पता है, बादल के, पानी के में पर्यायवाची में अगर आप जय लगा दो तो कमल बन जाता है, और दे लगा देते हो तो बादल बन जाता है, ये बात ध्यान रखना ठीक है। तो अब जैसे जलज, जलज किसका है, कमल का, और जलद किसका है, बादल का, तो ऐसे ही अंबुज कमल का, अंबुद बादल का, पानिज ये कमल का, पानिद ये किसका है, बादल का, नीरद बादल का, नीरज ठीक है ये सब कमल का, तो ऐसे ही वारिद, वारिज, तो ये सब पै, देखिए वारी खूब याद कर चुके हैं, वार वार से पानी लगते हैं तो वो देखते हैं, तो वारिज याद रख लीजिए उसको, तो वार वार से पानी आता है ना, कई बार इस दिन पानी आएगा, इस दिन ये आएगा, आजकल तो ऐसे ही, और आगे तो और बहुत ज्यादा वारों से ही आएगा पानी, लाइन लगा करेगी कि जिसका वार आएगा उसको मिलेगा, तो बहुत ज्यादा किल्लत आने वाली है पानी की है ना, तो इसलिए पानी बचाना चाहिए आप लोगों को जितना हो सके, ऐसे ही उसको वेस्ट मत किया करो, मीठा पानी तो बहुत कम रह गया, 1% भी नहीं रह गया अब धरती में। चलिए, तो पानी, नीर, वारी, पेय, पेय मतलब पीने वाली चीज, अमृत, जीवक जीवन देता है, रस, रस सही है मीठा पानी तो, और अप तो इसको अप तो कर ही देता है आदमी को, उठा तो देता ही है भाई, पानी के ऊपर से मारो अप है ना, अप मतलब ऊपर, ऊपर से पानी मारोगे तो एकदम उठ जाएगा आदमी, गेट अप हो जाएगा। तो ये जीभ, जीभ जीव्या, रसज्ञा, चंचला, चंचल तो होती है जीभ, पता नहीं कहाँ पिटवा दे है ना, कहाँ जीभ चल गई तो वो आदमी के वश में नहीं होती कई बार। तो रसना, तो रसना किस लिए भाई, रस तो छोड़ती है, ग्रंथियों में से रस निकलता है ना, तो साइंस पढ़ी हो तो थोड़ी सी, तो वो वही तो पाचन क्रिया में सहायक होता है, तभी तो स्वाद लगती है, तो रस से ही बने, रसना रसज्ञा, तो रसना ये सब जीभ से ही है। और चंचला तो आप समझ गए होंगे कि वो चंचल तो बहुत होती है। झंडा, ध्वजा, केतु, देखिए पताका, निशान, देखिए निशान तो होता ही है झंडे का भाई, ये पता लगता है ये किस देश की निशानी है, तो निशान हो गया। ध्वजा है ना, ध्वजारोहण होता है। पताका, तो एक प्रकार से पताका भी है, किसी देश की पताका मतलब निशान ही होता है।
तो भाई ये देश की पताका, ये किस देश की पताका जा रही, तो खूब सुना होगा। और केतु, केतु को भी याद रख लीजिए। तो इस तरीके से कुछ भी मुझे इसका जुड़ नहीं रहा केतु का कोई, बहुत बढ़िया। आप भी कुछ रख लीजिए जैसे भी रख सको, केतु सेतु, सेतुओं पे भी पुल लगा, झंडे वंडे लगते हैं, तो ऐसे कुछ भी। आगे झूठ मिथ्या अनर्थ और असत। असत देखिए, असत एक ऐसा होता है, एक असत ऐसा होता है। ये असत थोड़ा तद्भुतम का फर्क हो सकता है, बस असत ही है ये भी। असत्य असत झूठ मिथ्या मिथ्या तो सब समझते होंगे। अनर्थ अनर्थ भी इसका ये अनर्थ सा ही हो जाता है। झूठ से अनर्थ, अनर्थ को अनर्थ से जोड़ लीजिए कि ये झूठ से अनर्थ ही करवा देता है। झूठ किसी को पिटवा देगा, किसी को कुछ कर देगा, तो वो अलग है ना झूठ। तो किसी आगे झरना, झरना में आ जाइए। देखिए सोते हुए आदमी को एकदम झरना, सोता तो सोता एकदम झरने वाले, एकदम झरना गिरेगा तो एकदम सोता हुआ आदमी भी जग जाएगा, ठीक है। स्रोत, स्रोत तो आप समझते ही हैं, पानी का स्रोत व्रोत होता ही है। और निर्झर, निर्झर देखिए झरना ही आ रहा है कहीं ना कहीं। जलप्रपात, प्रपात, जलप्रपात, प्रपात तो आप जोग, जलप्रपात ये सब झरने ही तो हैं। तो उत्स, तो जैसे झरना गिरा तो एकदम आवाज से निकलती है ना अपने अंदर से, उत्स, और तो उष, ये पानी आ गया। तो उस तरीके से आप जोड़ लीजिए झरने को, तो उठता है ना पानी ऊपर से। तो डर, डर के आप देखिए, भीति, भयभीति, भयभीत, भीत आ रहा है ना उसमें, भीति। दहशत आतंक, भय आ गया, भय भीति यहां आ गया, तो खौफ, सब वही बात है। अब त्रास रह गया, तो त्रास देखिए आप, जब डर है, डर के आदमी थोड़ा सा डरता, कब है तलाश चल रही थी किसी की है ना, त्रास चल रही है। तो ऐसे आप समझ लीजिए तलाश जो चल रही है, तो फिर कोई डर है उनको जब ही तलाश रहे, नहीं तो त्रास कोई कौन तलाश था किसी को। तो इस तरीके से डर में आप त्रास भी याद रख लीजिए। तो पहले वैसे याद रख सकते हैं त्रासदी, त्रासदी होता है ना, जैसे भोपाल गैस त्रासदी बहुत पर सुना होगा, तो गैस त्रासदी वही है, गैस का डर। तो त्रासदी वो वहीं से त्रास वर्ड आया है ना। तो गैस का रिसाव, गैस की दुर्घटना, तो दुर्घटना समझो इसको, तो डर, दुर्घटना से डर तो पैदा होता ही है। कोई तो आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो तो एकदम डर सा लगने लगता है कि हमारे साथ ना हो जाए, है ना। तो वो ढोंगी, ढोंगी का पाखंडी, बगुला भगत। देखिए भगत ये पूरा एक ही है, भगत भी कैसा भगत, एक तो सच्चा भगत होता है, एक होता है बगुला भगत, इसको बगुला भगत कह सकते हो। बगुला तो आप जानते ही हो, तो बगुला भी ऐसा ही होता है, ढोंगी आदमी। तो वो तो बगुला भगत मक्खी को पता है कैसे पकड़ता है, बगुला भी ऐसे ही पकड़ता है जैसे मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो एकदम मक्खी को उड़ने नहीं देता, और आप पकड़ नहीं सकते अकेली मक्खी को, चाहे देख लेना कोशिश करके। चलिए ढोंगी रंगा सियार, तो सियार जो है, सियार देखिए एक सिंपल वर्ड है लेकिन रंगा हुआ है, रंगा सियार है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि भाई वो कुछ ढोंग कर रहा है ना। तो रंगा सियार इसलिए वर्ड आया है। आगे कपटी छली तो होते ही है ढोंगी, है ना। आगे कपटी छली तो आप शर्म समझ जाओगे एकदम। तन शरीर काया जिस्म देहे, सब कुछ आपको पता है। तो तनु भी इसको ही बोलते हैं, तन 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 तनु सब इसका ही है ना। और वपु और घट और है। तो शरीर देखिए जैसे जैसे आप बड़े हो, बड़े होते जाते हो, बड़े होते जाते हो, तो थोड़ा सा पहले तो बढ़ता है, फिर घटना भी शुरू होता है। तो घट ऐसे कहीं ना कहीं तन जो है घटता भी है, तो इस तरीके से है ना, तो फिर वो घटना शुरू हो जाता है। तो वपु तो इसको भी कुछ तरीके से आप जोड़ लेना, वप्पू रप्पू, तो जो भी आप करो। तो कुछ एक आध तो देखिए मुझसे भी रह जाते हैं कि मैं सब कुछ ना जोड़ पाऊं आपके लिए, पर मैं पढ़ के सुना रहा हूं, तो थोड़ा सा देख लीजिए वप्पू को आप तन से कैसे कर सकते हैं। एक आध तो कोशिश करेंगे तो आप भी जोड़ देंगे, मुझसे भी अच्छा जोड़ देंगे, उम्मीद कर रहा हूं। आगे तरंग लहर, तो देखिए तरंग क्या होती है आपको पता है, पानी के हिलने को ही तरंग बोलते हैं। तो हिलोरी है, लहर है। अब देखिए गोवा में लोग जाते हैं या और समुद्र देखने जाते हैं, क्यों जाते हैं, वो हिलोर देखने ही जाते हैं कि बड़ा सुंदर दृश्य लगता है, तो बड़ी मौज सी आती है ना, देखने में बड़े मजे आते हैं, तो मौज समझ लीजिए। तो तरंग या लहर को मौज कह सकते हो। बीच पे ही तो जाते हो लहर देखने, वीची है ना, तो बीच, बीच या वीची,
तो ये सब आपको लिख जाएगा। उर्मी भी इसका बहुत अच्छा पर्यायवाची है, तो उर्मी भी आप याद रख लीजिए, उर्मी भी लहर को ही बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे याद रखिए उर्मी को, जैसे तरंग आई लहर आई, तो अब थोड़ी देर शांत है तो फिर हम कहेंगे ओ उगारी उरी उरी लहर वहां पे वहां दिखाई दे रही है उरी में, तो इस तरीके से उर्मी याद हो जाएगा। देखिए तरु या पेड़ मैंने लिख दिया, ये तरु से आप ना समझ पाओ पेड़ के या तरु के, एक ही बात है। वृक्ष पेड़ तरु था हालांकि बुक में, फिर मैंने यहाँ वृक्ष पेड़ लिख दिया है, तो पेड़ यहाँ भी, ताकि आप एकदम से पहचान जाओ। तो तरु के वृक्ष या पेड़ सब समझते ही हैं, वृक्ष पेड़ तो पादप भी पौधे को बोलते हैं, प्लांट इसकी अंग्रेजी है ना। और ध्रुम, अगर पेड़ से ऊपर से गिर जाओ तो कैसे गिरते हो, ध्रुम, तो वही है ध्रुम है ना। तो ऐसे याद रख लीजिए। और विटप तो टप टप करता ही रहता है पेड़, कब करता है, जब मान लो बारिश हुई तो काफी देर तक टप 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 की आवाज आती रहती है, विटप, तो ऐसे याद रख लीजिए। आगे तलवार, असी ठीक है, खड़ग, सिरोही, चंद्रहास, मतलब चंद्र का भी नुकसान कर देती है तलवार, ऐसे समझिए चंद्र में हमें भी हास कर देगी, तो इस तरीके से तलवार को आप कह सकते हो चंद्रहास है ना। तो कृपाण तो होता ही है, चाकू या जो सिखों के पास होता है, वो सब तलवार ही तो हो गया एक प्रकार से। शमशीर, तेग, तो ये सब क्या है, इसी के ही है। तो तेजसी, तेज तो लगा ही, धारवार तेज बड़ी लगी रहती है, तो इसमें तेग कह सकते हो इसको। चंद्रहास, सिरोही तो सिर को अलग ही कर देती है, सिरोही, तो ऐसे है ना। किसके, असी, असी हालांकि पंजाबी में मेरे सिर में लग गई थी, सिरोही, तो असी पंजाबी में मेरे को बोलते हैं, तो असी सिरोही, तो इस तरीके से ये सब। खड़ग, तो खड़गने की आवाज आती है, मान लो तलवार जब चल रही हो तो खड़खड़ की आवाज होती है, जैसे टीवियों में देखा हुआ है ना, खड़खड़ खड़खड़ खड़, तो तलवार चल रही है बहुत तेजी से। आगे तम, अंधेरा, तो तम देखिए, अंधेरे का तम भी तो याद करना मुश्किल काम है, तो इस तरीके से याद रख लीजिए भाई, तम अंधेरे में मत जाना कहीं भी, तम तम का अंधेरा इसलिए याद हो जाएगा ना, तम अंधेरे में मत निकलना भाई बाहर बिल्कुल, तो अंधकार तो आप जानते ही हो है ना। धुआंत, तो धुआं सा ही घुटा रहता है, तो ये धुआंत भी कह सकते हो, धुआं से भी अंधेरा सा हो जाता है ना, कुछ अंधेरे में भी नहीं दिखा धुआं में भी नहीं दिखता, तो इसलिए धुआंत हो गया। तिमिर है ना, तिमिर, तो तिमिर तो तम तिमिर तो एक ही बात है, ये तो बिल्कुल इसी का ही है। और अंधेरा और तमसा, मतलब तम माने अंधेरा, तम सा तो यही है भाई, अंधेरा सा, तो तमसा, ये भी मतलब तम वर्ड जो आ रहे हैं ये सब तम वाले वर्ड अंधेरे के लिए होंगे। तारा है ना, नक्षत्र, नक्षत्र तो सुना ही होगा इसका, तो नक्षत्र तारे को बोलते हैं, तारक, सितारा, उड़गन, तो कुछ तारे उड़ते भी रहते हैं है ना, गन की स्पीड से, गोली की स्पीड से, उड़गन, तो इस तरीके से याद रख लीजिए। नखत, तो ऐसे, तो ये कोई, जब कोई तारा जाता है या गिरता है तो कोई नखतवत कुछ भी थोड़ी आता है, तो इस तरीके से नखत, तो कुछ भी और अच्छा जोड़ पाओ तो बहुत अच्छा कर सकते हो आप, तो मुझ पे बहुत अच्छा नहीं जोड़ रहा कोई कोई चीज। तरुणी और युवती, तरुणी और युवती आप देखिए, तरुणी और युवती, हालांकि तरु पेड़ होता है, युवती के पर्यायवाची है ये तरुणी, तो मतलब पेड़ सी लंबी है, तो भाई वो तो युवती तो होती है, लंबी लंबी अच्छी लगती है युवती, आप समझते हो, लड़की, जवान लड़की को बोलते हैं। मनोज्ञा, तो भाई मन की तो आज्ञा सी रहती है भाई, मन तो उस पर युवती को देखने का करता ही है। सुंदरी, इस तरीके से है ना। यौवन वक्षी, तो यौवन वही है युवावस्था में उसका वक्ष मतलब शरीर है ना। तो प्रेमदा, प्रेम देने की इच्छुक तो होती है भाई, प्रेम देने का मन करता है सबको उसका, तो प्रेमदा ये हो गई है ना। तो रमणी, तो रम तो जाती है वो, मान लीजिए अभी देखिए औरत के या स्त्री के हमने करे हैं या नहीं करें तो आगे करेंगे, तो रम जाती है वो युवती किसी, कई बार पहले तो लड़की के रूप में होती है, मतलब बेटी के रूप में रमती है, और फिर आगे स्त्री के रूप में रमती है, मतलब पत्नी के रूप में, फिर माँ के रूप में, तो रमना तो उसको लास्ट तक पड़ता है, तो औरत में भी है रमणी और युवती में भी है रमणी। तो तालाब, तालाब, जलाशय, सरोवर,
देखिए मैं वहां पे भी आपको बताया था, एक वर्ड था सरस, है ना, तो शायद वो तो सरसिस था, क्या था, जल में, आप देख लेना, सलिल था वो तो, सॉरी, तो सलिली, सलिल भी, सलीला भी कह सकते हैं इसको, यहाँ पर लिखा नहीं है, सलीला भी इसको बोलते हैं, तालाब को, नदी को भी कह देते हैं। तो जलाशय, सरोवर, ताल, तालाब, तालाब, आब और लगा दो तो वही हो गया ना, तालाब, तालाब, ताल, सर, तो सर धोते हो ना उसमें, तालाब में पहले तो नहाते धोते थे, तो सर भी तालाब में ही, ताल, तड़ाग, तड़ाग भी इसमें ही, एकदम जैसे ही दाखते हो तालाब के अंदर, तड़ाग से एकदम आवाज आती है ना। जलधर, तो जल तो धरे ही रखती है अपने अंदर। सरसी, तो सर से, सर को ही देते थे कि यहां भी सर आ रहा है, यहां भी आ रहा है, सरसा ही अंदर देते पहले। पद्माकर, पद्म मतलब पैर, पैरों को भी धोते हैं उसमें। और पुष्कर, तो किसी को भी पुष कर देते हैं इसमें, तालाब में धक्का दे देते हैं ना, हंसी खुशी के मारे, तो ऐसे याद रख लोगे। तोता, तोता को मतलब सुआ, तो सुआ, तोता का सूक, सूक देखिए शुक्र ग्रह को याद रख लीजिए, तोता से ही ऐसे कुछ। और दाढ़िम प्रिय, दाढ़ी को, जिसके दाढ़ी होती है उसको तोता बहुत प्रिय कर, प्यार करता है, तो दाढ़िम प्रिय, तो ऐसे याद रख लीजिए। और कीर, तो और खत तुंड, ओ सॉरी, रक्त तुंड है ये, रक्त की जैसे इसकी चोंच होती है लाल, है ना, तो रक्त तुंड इसलिए आप इसको बोल सकते हो। तो किर 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 कर तोता की आवाज भी आती रहती है। तो सूक भी ऐसे ही लग रहा है, एकदम शांति प्रिय वर्ड सही। तो ये सब तोता के पर्यायवाची कह सकते हो। आगे दर्पण, दर्पण शीशा, आईना, आरसी, देखिए मुकुर, तो मुंह को करते हो शीशे में मुकुर, तो ऐसे भी मुंह कर शीशे में को देख ले, है ना, मुंह ही तो देखते हो, तो दर्पण मुकुर, है ना। तो आगे आरसी, तो इस तरीके से आरसी, हालांकि गाड़ी की होती है आरसी, तो गाड़ी की होती है तो उसमें भी तो दर्पण लगा रहता है, तो आरसी ऐसे याद रख सकते हो, आरसी वाली चीजों में भी दर्पण होता है। तो आगे दास, नौकर, चाकर, सेवक, ये सब तो जानते हो आप। परिचारक, देखिए प्रचार करता है मालिक का, बहुत अच्छा, मेरा मालिक तो इतनी तनख्वाह देता है, ये वो, तो परिचारक भी होता है एक प्रकार से मालिक का, तो हालांकि ये वही है, वो परिचारक नहीं है, ये परिचारक वो और तरीके से लिखा जाता है, पर हम इसे याद रख सकते हैं परिचारक इस तरीके से। तो परिचर मतलब चारों तरफ चलने वाला, मालिक के चारों ओर ही घूमना, परी माने चारों। किंकर, किंकर, किंकर किंकर ही करता रहता है, भाई मुझे पैसे दे दो जी, ये है मेरा वो काम है, की की करता रहता है ना, किंकर, की करता है, की कर, किंग कर तरह। गुलाम तो है ही वो, अनुचर मतलब पीछे पीछे चलने वाला, तो मालिक के पीछे चलने वाला है, तो वो ही है। तो ये सब आप बहुत आराम से याद रख पाओगे। अब मैं अनुचर पूछूंगा या किंग कर पूछूंगा तो आप एकदम याद बता दोगे, किंग किंग तो वही करता है। तो दुख, कलेश, खेद, पीड़ा सब मालूम है आपको, कलेश, खेद, पीड़ा सब दुख को कहते हैं। यातना, विषाद, विषाद भी दुख ही होता है ना। क्षोभ, क्षोभ तो विक्षोभ या क्षोभ, क्षोभ भी दुख का वो है, कष्ट, है ना, तो ये सब आपको दिख रहा है तो दुख के ही हैं। और दूध, पेय, पेय मतलब देखिए पेय पानी का भी है, पेय माने पीना, और पीने वाले सब चीज को पेय कह सकते हो। दुग्ध, स्तन्य, स्तन से निकलता है ना, स्तन मतलब थन और भैंस के, तो इस तरीके से स्तन से आप दूध कह सकते हो। तो क्षीर, खीर, खीर बनती है, क्षीर, पता है कि इसका क्षीर का ये तो है तत्सम, और इसका तद्भव देखेंगे तो खीर है, खीर, खीर। और आगे अमृत, तो खीर ही हो गई ना, खीर तो दूध से ही बनती है, आगे आप अमृत देखेंगे तो अमृत की तरह तो होता ही है दूध, तो बहुत फायदे हैं इसके, तो इसलिए अमृत भी कह सकते हो। अमृत हालांकि पानी का भी होता है, तो वो सब चीजें जो फायदा देती हैं सबको अमृत बोल सकते हो। आगे देवता, देवता देखिए सुर, तो सुर, सुरेंद्र वगैरह तुमने पढ़े ना इंद्रदेव के, तो सुर देवताओं का इंद्र, तो उस तरीके से भगवान के पर्यायवाची में आपने देखा होगा। आदित्य, हालांकि आदित्य हम और भी पढ़ेंगे आगे एक आध का, तो आदित्य भी, तो आदित्य देवता से ही दी वर्ड इसमें आ रहा है, तो इसको पकड़ सकते हो। अमर तो होते ही देवता, देव लिख रहा है, वसु मित्र सुने होंगे, वसु मतलब देवता, वश में कर सकते हैं ना किसी को भी, है ना, वसु। आगे होली, बस खत्म, थोड़ी देर की बात और है। द्रौपदी,
द्रौपदी है श्यामा, तो क्योंकि देखिए श्याम भगवान कृष्ण जी ने ही सब कुछ रचा हुआ था, तो द्रौपदी एक श्याम का पार्ट थी, तो श्यामा आप कह सकते हो, इसलिए श्याम कृष्ण जी को बोलते थे, श्यामा हो जाएगी, है ना। पांचाली तो बोलते ही थे, कृष्णा वही वर्ड आ गया ना कृष्ण जी से रिलेटेड। यज्ञ सैनी, इसको यज्ञ सैनी भी बोलते हैं क्योंकि ये शायद आग वगैरह से ही निकली थी, अग्नि वगैरह से। द्रुप द्रुपद सुता, इसके पिताजी का नाम है, उसे द्रुपद बोला जाता है। तो नित्य योवना, तो नित्य योवना मतलब जो बिल्कुल नित्य और मतलब नियम से चलने वाली युवती, तो नित्य योवना कह सकते हो। दीपक, देखिए दीपक वही, फिर आदित्य, जहां भी उजाले की बात होगी, उजाला मतलब आदित्य, आदित्य उजाला, तो देवता भी उजाला ही होते हैं, है ना, अंधेरा तो राक्षस होते हैं, तो उस तरीके से आदित्य का। सूरज में भी मैं लिखूंगा, सूर्य की पर्यायवाची में भी आदित्य को वहां भी लिखेंगे, वहां भी उजाले से संबंधित है। दीपक दीप होता है, प्रदीप होता है, दिया होता है, ये सब तो आप कर ही सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। दुर्गा, दुर्गा के पर्यायवाची बहुत आराम से, सिंह वाहिनी मतलब जो सिंह को चलाती हो दुर्गा, तो आप जानते ही हैं। काली, भगवान काली का रूप भी वही है। भवानी, माँ भवानी, ये सब पार्वती के रूप हैं, तो माँ भवानी उन्हीं को बोलते हैं। चंडी का, चंडी सुना होगा, कल्याणी, कल्याण करने वाली। सुभद्रा, चामुंडा, ये सब तो भगवान के पर्यायवाची हैं, देवी के पर्यायवाची हैं, सबको मालूम है, उनके नौ रूप हैं, ये नौ जिनके वे बनते हैं, नवरात्रे वगैरह होते हैं, सब मालूम है आपको। दामिनी, देखिए सनी देओल की पिक्चर भी आई थी, उस दामिनी का अर्थ आज समझेंगे आप, जो आसमान से बिजली कड़कती है उसको दामिनी बोलते हैं, कड़कना कह सकते हैं एक प्रकार से, बिजली, चपला मतलब जो इस तरीके से चलती है, तड़ित तड़कती है वो बहुत तेज, चंचला फिर वही बात आ गई है, विजय तो इस तरीके से बिजली जो गिरती है, विजय विजय तो कराई देती है वो, है ना, विद्युत विद्युत तो है ही वो, सौदामनी आ रही है इसमें भी, तो पीत प्रभा, प्रभा उजाले को ही बोलते हैं, प्रकाश को ही बोलते हैं, तो बिजली को ही बोलते हैं, तो ये सब तो इसमें आ जाएगा। दरवाजा, किवाड़, पल्ला, कपाट, द्वार, सब आपको मालूम है, पट इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। पल्ले, पल्ला ये कैसा पल्ला, पल्ला भी तो यही है, देखिए गेट चढ़ते हैं तो घर में उसको बोलते हैं पल्ले चढ़ गए नहीं चढ़े, तो पल्ला वही है। तो दिनांक, तारीख, तिथि, मिति, तिथि मिति दोनों है ऐसे, तिथि मिति ऐसे याद, दो चार बार बोलो तिथि मिति तिथि मिति, तो मिति अपने आप दिनांक याद करवा देगा आपको। अब देखिए एक छोटा सा टेस्ट मैं आपको देता हूं कि आपको याद हुए हैं कि नहीं, तो आप देखेंगे। भीति, डर का था ना, भयभीत। देहे, देहे आपको याद है ना, तनु का था, तन तनु वगैरह सब। खड़ग, खड़खड़ की आवाज आती है कब, जब तलवार चलती है। मनोज्ञा, मनोज्ञा कब, सोचिए मनोज्ञा। युवती, जो मन को हर लेती है दूसरे को। नक्षत्र, तारे के, है ना, तो नक्षत्र तारा। आगे ध्रुम, ध्रुम कब गिरे थे एकदम धुड़ूम से, किससे गिरते हैं, पेड़ से, तो ऐसे ध्रुम याद हो जाएगा। प्रेमदा, कौन देता है प्रेम, युवती। नेक्स्ट पुष्कर, पुष्क किसमें कर दिया था, तालाब में, है ना। रक्ततुंड, रक्ततुंड सोचो रक्त की तरह किसका होता है, तो ये तोता आ रहा है ना याद, रक्त की तरह। आरसी, आरसी किस किस की बनती है, आरसी, आरसी जिनकी बनती है, दर्पण भी लगा होता है उनमें, है ना। यातना, यातना तो कष्ट, दुख, खेद, जो भी आप कहो यातना उसके होते हैं। स्तन्य, स्तन्य से क्या निकलता है, स्तन्य तो आप दूध को कह सकते हो, है ना, दूध का पर्यायवाची स्तन से निकलता है। आगे आदित्य, आदित्य तो बहुत सारों का है, दीपक का भी है, हमने देवता का भी पढ़ लिया अब तो। कपाट, दरवाजे का। मिथि, तिथि, तो ये आप तिथि का ही हो गया, दिनांक का हो गया। तो उम्मीद है आपको सब ये पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सॉरी अभी तो और भी बहुत सारे रह गए हैं। देखिए सयाना, सयाना चालक को बोलते हैं। राकेश, राकेश किसको बोलते हैं, चंद्रमा को। ज्योत्सना, ज्योत्सना देखिए किसको बोलते हैं, ये चांदनी को बोलते हैं, है ना, ज्योति सी जलती रहती है। कौमुदी भी चांदनी है आपको मालूम होगा। हिमांशु, हिमांशु किसको बोलते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो हिम पड़ती रहती है ना। कभीज भी आ जाते हैं, कभी भी चोर का है। प्रपंच, तो प्रपंच को आप याद रखिए, ये जो है आजकल प्रपंच में भी कपट था, धोखा था, कुछ ऐसा ही था, तो छली, छल कपट का है ना, तो पंच भी आजकल धोखा ही करने लगे हैं। तो आगे
आगे माई, माई को आप देखेंगे तो माई तो होता है जननी का, मृत्यु लोक तो जग है, संसार है, अंबु तो पानी है, जल है, सलिल भी पानी जल है, सलीला आप कह सकते हो तालाब या नदी, रसना जीभ है, खनक खनक है आपका, कह सकते हो खनक चोर के लिए है ना, निशाकर निशाकर आप कह सकते हो, देखिए निशा में करता है, रात में करता है, तो ये सब चोर का ही है शायद, आप देख लेना एक बार, हो सकता है मैं कंफ्यूज हूँ। फरेब का छल कपट, अमृत वर्षणी, अमृत कब वर्षा होती है तो चांदनी में होता है, तो ये सब आपको याद हो रहे हैं उम्मीद करता हूँ। पताका तो झंडा था, निशान था है ना, असत्य तो झूठ का था, असत्य। त्रास, त्रास कब होता था तो जब त्रास दिया है, भय आए, डर आए, तो उस तरह से देख लेना एक बार, कंफ्यूज हूं तो। और बगुला भगत, बगुला भगत होता है ढोंगी का, आप सब लोग समझ गए होंगे, आपको उम्मीद कर रहा हूं कि याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो एक दो बार और वीडियो देख लेना, या फिर इनको अपनी कॉपी पे जरूर लिख करके रखना, आपको बहुत आराम से याद हो जाएंगे। ओके, डन करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, तब तक के लिए।